देखो गांव वाले परिवार वाले सबसे जो हमने बात की है इलाका लेवल पे ये है कि वो बिल्कुल नाजायज था, कोई केस नहीं आज तक उसको किसी बात का, उसको बिल्कुल नाजायज पकड़ा है, नाजायज पकड़ा है निर्दोष, और निर्दोष होने के बावजूद उससे पैसे भी लिए हैं, और पैसा लेने के बाद राजेश नाम के सब इंस्पेक्टर ने, और इन पर रिकॉर्डिंग भी है हमारे भाई ने भी मुझे बताया, और उसको फिर पैसे लेने के बाद उसको टॉर्चर करके इतना मारा है, एक दो दिन बाद आके वो उस पिटाई से मर गया। तो बहुत बुरा है, इसकी हम निंदा करते हैं, और हम ये सरकार से मांग करते हैं जितनी भी टीम उनके साथ थी पकड़ने वालों पर जो जुल्म हुआ है, इससे पूरे मेवात में एक सदमा है बहुत गहरा, और इस सब के लिए सजा हो, और बाकायदा एक SIT गठित होकर इंसाफ मिले और आइंदा ऐसी घटना ना हो, ऐसी रोक लगे। बताया जा रहा है कि जब उन 6 बच्चों को यहाँ से पकड़ के ले जाया गया, फरीदाबाद की पुलिस आई थी, तो पहले उनको बिछोर थाना ले जाया गया, वहाँ पे वेरीफाई किए गए। एक जो लड़का था बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ केस दर्ज था, बाकी तो किसी खिलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं था, फिर भी यहाँ से उनको फरीदाबाद ले जाया गया। वो सर लोग पुलिस वाले सेटिंग फिटिंग कर अधिकारियों से मिलकर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं, उनमें ये राजेश नाम का भी है जो है ये बकायदा पैसे कमाने की वजह से टॉर्चर करने की वजह से नजायज़ आदमियों को ले जाकर उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उगाही की जाती है, फ़ोन किए जाते हैं, और अक्सर ये लोग इसी मुहिम को लेकर चलते हैं। भाई अगर जायज़ कोई आदमी है कहीं वो मुजरिम है, कोई सज़ा उसको मिले तो उसके कोई हम नहीं, उसके हम ही नहीं, और नाजायज आदमी को टॉर्चर करके जो मारा गया है इसके हम कतन खिलाफ़ हैं, और हम इंसाफ चाहते हैं, हम सब मिलकर पूरे गांववासी इलाकावासी इंसाफ चाहते हैं, और हम उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आला लीडरों से बात करेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे, हमने बात की भी है, और गांव वाले सब दम पर रहें, इंशाल्लाह मुजरिम को सज़ा अवश्य मिलेगी।